नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि शुक्रवार को दिन में एक घंटे तक उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक रहा। प्रसाद ने इसकी जानकारी कू ऐप के जरिए दी है। प्रसाद ने इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। केंद्र सरकार के नए डिजिटल नियमों को मानने में आनाकानी करने के कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की भारत सरकार से तकरार चल रही है और प्रसाद का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होने से बात आगे बढ़ सकती है। प्रसाद ने कहा कि ट्विटर ने इसके पीछे कारण ये बताया कि डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन हुआ है और एक घंटे के बाद उन्होंने मुझे मेरे अकाउंट को इस्तेमाल करने की इजाजत दी। आईटी मंत्री ने कहा कि ट्विटर के इस कदम से पता चलता है कि वे फ्री स्पीच के संदेश वाहक नहीं हैं जैसा कि वे दावा करते हैं, बल्कि उसकी सारी रुचि अपना एजेंडा चलाने में है। ईडी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर छापेमारी की। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। देशमुख का यह घर नागपुर के जीपीओ चौक पर है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ईडी ने पता लगाया है कि अनिल देशमुख को मुंबई के 10 बार के मालिकों ने 4 करोड़ रुपए दिए और ये रकम 3 महीनों तक दी गई। ईडी ने देशमुख के निजी सहायक कुंदन शिंदे और निजी सचिव संजीव पालांडे के घरों की भी तलाशी ली। इस मामले में अब तक 10 बार मालिकों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राम मंदिर की जमीन खरीद में कथित घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की है। राउत ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसको लेकर एक प्रस्ताव पारित करे और इस मामले में इन एजेंसियों से जांच कराने की मांग करे। राउत नागपुर और मुंबई में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के यहाँ ईडी के छापों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब दे रहे थे। इसके साथ ही राउत ने कहा कि बीजेपी ने सीबीआई और ईडी की अहमियत कम कर दी है। कोलकाता में फर्जी टीकाकरण केंद्र आयोजित करने और खुद को फेक आईएएस बताने के आरोप में गिरफ्तार किए गए देवंजन देव की अब तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के साथ की तस्वीरें वायरल हुई हैं। टीएमसी की ही सांसद मेमी चक्रवर्ती ने देवंजन के फर्जी टीकाकरण केंद्र का भंडाफोड़ किया था और उसे गिरफ्तार कराया था, लेकिन अब देवंजन के तृणमूल के ही दूसरे नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर में जरूरत से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन मांगी। ऑडिट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली को उस दौरान लगभग 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की। रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली सरकार की ओर से इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग करने की वजह से 12 राज्यों को इस गैस के संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि दूसरे राज्यों की ऑक्सीजन भी दिल्ली को ही देनी पड़ी। इस रिपोर्ट के बाद बीजेपी नेता समित पात्रा ने कहा कि तब आपने ऐसा महाझूठ बोला जो अब सामने आया है, सबसे बड़ा अपराध था। बीजेपी नेता ने कहा कि कोई ऑक्सीजन पर भी सियासत कर सकता है, ये भी देखने को मिल गया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने खुद की नाकामी छिपाने के लिए पूरे देश में झूठ फैलाने का काम किया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार ने पलटवार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने उसे जितनी जरूरत थी उससे 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की थी, लेकिन दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा यह रिपोर्ट तथाकथित है और बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठकर बनाई गई है। सिसोदिया ने कहा कि इस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट आई ही नहीं है। पटपड़गंज सीट से विधायक सिसोदिया ने कहा कि हमने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के कई सदस्यों से बात की है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऐसी किसी रिपोर्ट को मंजूरी ही नहीं दी है। सिसोदिया ने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि रिपोर्ट लाइए जो अप्रूव की गई हो। झूठ की इंतहा होती है। जरूरत से अधिक ऑक्सीजन की मांग करने के आरोपों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। केजरीवाल ने कहा कि मेरा अपराध यह है कि मैं 2 करोड़ दिल्ली वासियों की जिंदगियों के लिए लड़ा। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आप चुनावी रैलियां कर रहे थे तब मैं रात भर जागकर लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहा था। केजरीवाल ने कहा कि मैं लड़ा और ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए गुहार भी लगाई। केजरीवाल ने कहा कि लोगों ने अपने प्रियजनों को ऑक्सीजन की कमी के कारण खोया है, कृपया उनको झूठा ना कहें। कमरतोड़ महंगाई और पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस बड़ा मोर्चा खोलने जा रही है। पार्टी जुलाई में लगातार 10 दिन तक देश भर में इन दोनों मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेगी। ये फैसला 24 जून को ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक में AICC के सभी महासचिव शामिल हुए। बैठक में काफी वक्त से लटके मसलों जैसे कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के आंतरिक चुनाव पर चर्चा हुई या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है।
बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि महंगाई, ईंधन की बड़ी कीमतों के अलावा दालों, खाद्य तेलों की कीमत भी आसमान छू रही है और 2 मई 2021 के बाद से अब तक मोदी सरकार ने 29 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। पार्टी ने कहा कि देश के 150 शहर ऐसे हैं जहां पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा कीमत पर बिक रहा है। राहुल गांधी ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर मोदी सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। राहुल ने पूछा है कि इसकी जांच व रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है, वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावशाली है, ये पूरी जानकारी कब मिलेगी और तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का क्या प्लान है। बता दें, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। देश में अब तक इस वेरिएंट के 40 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट द वायर के खिलाफ 1 महीने के भीतर दूसरा केस दर्ज किया गया है। ताजा केस बाराबंकी में दर्ज किया गया है। वेबसाइट पर आरोप है कि उसने बाराबंकी में एक मस्जिद ढहाने से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें शत्रुता को बढ़ावा देने और दंगे फैलाने के कारणों को बढ़ावा देने जैसी बातें कही गई। बाराबंकी के जिला अधिकारी आदर्श सिंह के मुताबिक न्यूज पोर्टल ने 23 जून को अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री शेयर की जिसमें निराधार और झूठी बातें कही गई, जिसमें यह भी शामिल है कि प्रशासन ने एक विशेष धर्म के धार्मिक ग्रंथों को अपवित्र किया और फिर एक नाले में फेंक दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिलाधिकारी के मुताबिक द वायर ने इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की कोशिश की है। बता दें, इससे पहले द वायर पर गाजियाबाद के मुस्लिम बुजुर्ग अब्दुल समद सैफी की पिटाई से जुड़े ट्वीट्स को लेकर केस दर्ज किया जा चुका है। लक्षद्वीप प्रशासन के विरोध के तमाम प्रयासों के बाद भी फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना को राजद्रोह के मामले में केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। राजद्रोह का आरोप लगने के बाद केरल उच्च न्यायालय ने एक हफ्ते पहले ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखते हुए उन्हें एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी थी। आरोप है कि 7 जून को एक मलयालम समाचार चैनल द्वारा प्रसारित बहस में हिस्सा लेते हुए सुल्ताना ने कहा था कि केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप के लोगों के खिलाफ जैविक हथियारों का प्रयोग किया है, उनके खिलाफ बीजेपी के नेता ने शिकायत की थी। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ केंद्र की बैठक में कश्मीरी हिंदुओं और सिख समुदाय को शामिल न करने को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी पीएम मोदी से नाराज हुए हैं। स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि कश्मीरी हिंदू और सिख समुदाय जिन्हें मारा गया, जिनके साथ दुष्कर्म हुआ, जिनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया और आखिरकार जिन्हें कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया गया, उनके प्रतिनिधियों को कश्मीर पर हुई मीटिंग से अलग रखकर पीएम ने गलत किया। बता दें, पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उससे पहले परिसीमन किया जाना चाहिए। 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा देश पर थोपे गए आपातकाल के आज 46 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला है। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आपातकाल के काले दिनों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वह दौर व्यवस्थित ढंग से संस्थाओं को खत्म किए जाने का गवाह है और ये दिखाता है कि कांग्रेस ने किस तरह हमारे लोकतांत्रिक चरित्र और मान्यताओं को कुचल दिया था। उन्होंने कहा कि हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।